हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक तारीख का वीडियो है, सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे थे 5:30। मैं सो के तो उठ गई थी 5 बजे। तो थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा लग जाता है अपने आप को ना अपने घर के कामों में लगाने के लिए। तो उसके बाद से मैं थोड़ा जब उठी, खिड़की दरवाजे वगैरह खोले और 5-10 मिनट मैंने बाहर ऐसे ही वॉक किया। और क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है बहुत ज़्यादा शांति होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता है, तो बाहर बहुत अच्छा लगता है। और हल्की हल्की सी ठंडक भी सुबह रहती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मन एकदम खुश हो जाता है और एकदम एनर्जी सी आ जाती है। और जो नींद है ना, वो थोड़ी सी वॉक कर लो सुबह 5-10 मिनट तो जो नींद है ना वो भी चली जाती है। तो चलिए, मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने यहाँ पे पानी अपने लिए गर्म कर लिया है। बिल्कुल नॉर्मल पानी ही गर्म पीऊँगी, नींबू वगैरह इसमें आज डालने का मन नहीं है मेरा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नींबू वगैरह डालने का मन नहीं करता है, तो सोचा चलो बस गर्म पानी पी लेती हूँ। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है और अंधेरा भी सा था ना, तो मैंने घर की लाइट वाइट अभी ऑन कर रखी है क्योंकि बाहर भी हल्का हल्का मतलब उजाला हो रहा था। अभी अंधेरा सा कमरे में तो एकदम अंधेरा ही लग रहा था, बाहर तो फिर भी ठीक था। तो यहाँ पे बैठ के मैं पानी वगैरह पीऊँगी और पानी पी लिया और उसके बाद से मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, अपनी जो मेरी ड्यूटी है उसको निभाने में। एक औरत की ड्यूटी तो आँख खुलते ही शुरू हो जाती है, झटपट अपने काम में लग जाती हूँ। और मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो मैं आलस नहीं करती हूँ, बिना आलस किए अपने काम में फुल एनर्जी के साथ लग जाती हूँ। क्योंकि काम तो मुझे ही करना है, तो आलस करूँगी तो फिर काम रह जाएगा, इससे अच्छा कि आलस अपना छोड़ के अपना काम निपटा लेती हूँ। तो आज ना मेरे हस्बैंड को जल्दी से काम पे उनको जाना है, मतलब उनको ना 7:30 बजे तक निकलना था काम पे। तो इसीलिए ना मैं सो के जब उठी, पानी वगैरह पिया और कपड़े लगा दिए मशीन में, और इधर मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गैस वगैरह पोंछ दूँगी और उसके बाद मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये जो भिंडी है ना, इसको कल रात में ही मैंने धो के रख दिया था ताकि मुझे पता था सुबह मुझे जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना है, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी मैंने रात में ही कर दी थी ताकि मुझे सहूलियत रहे। और ये भिंडी जो मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे, तो बहुत ख़राब भिंडी थी, मतलब 4-5 भिंडी तो बिल्कुल बिल्कुल टाइट टाइट थी, वो कटी नहीं रही थी और ख़राब भी बहुत निकल गई थी। तो वो मैंने हटा दिया उसको। अब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ सब्ज़ी में तड़का। तो अभी ना नाश्ते में पराठे बनाऊँगी और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, जल्दी से ना नाश्ता बन भी जाएगा मेरा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सरसों का तेल डाल दिया पैन में। आज मैं कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, फ्राई पैन में ही बना रही हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी थी तो सरसों के तेल में मैंने उसमें डाला है अजवाइन, और 3 हरी मिर्च काटी थी वो मैंने डाल दिया। और उसके बाद से अब मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी। और मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है, और उसके बाद से नमक ऐड कर दिया है। और मैं नमक पहले ही डाल दी थी, बहुत लोग भिंडी में बाद में नमक डालते हैं क्योंकि भिंडी थोड़ा सा पानी छोड़ता है ना, लिपलिपापन सा भी आ जाता है। लेकिन मैं भिंडी की सब्ज़ी ना कभी भी ढक के नहीं बनाती हूँ, हमेशा खोल के ही बनाती हूँ, क्योंकि उसका जो लिपलिपापन है ना, अगर वो ढक के बनाओ तो वो नहीं जाएगा, खोल के बनाओ तो बिल्कुल लिपलिपापन नहीं होता है, बिल्कुल जो भिंडी की सब्ज़ी खिली खिली सी बनती है। और उसके बाद से अब बारी आ गई थी चाय बनाने की। अभी मैंने चाय नहीं पिया था, मैंने सोचा था पहले सब्ज़ी को रख दूँ बनने के लिए, फिर मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो पहले इसी मेरा दूध ना भगोने में थोड़ा सा ही दूध बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि नया बर्तन क्या यूज़ करूँ, इसी भगोने में ही चाय बना लेती हूँ। तो पहले मैंने जो उसकी मलाई थी, मलाई हटा दी और फिर उसी भगोने में मैंने चाय बना लिया है। और जो मलाई वाला भगोना होता है ना, जो जिसमें दूध रखा रहता है आखिरी में, जब थोड़ा सा दूध बचा रहता है, तो उस भगोने में जब चाय बनाओ ना, तो उस चाय का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें ना मलाई का भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। तो चाय ना थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी और बहुत ही सौंधी सौंधी सी अच्छी सी बनती है। तो देखिए, अभी यहाँ पे मैं चाय लेकर आ गई थी और हस्बैंड को भी मैं 2-3 आवाज़ मैंने लगा दिया था किचन से ही कि आ जाओ, तो उठते उठते वो भी आ गए थे, वो भी उठ गए क्योंकि उनको भी निकलना है, तो तैयार व्यार होने में भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, हस्बैंड भी चाय पी लेंगे। तो जब तक वो फ्रेश होंगे, नहाएंगे वगैरह, तब तक मैं यहाँ पे जो नाश्ता है वो मेरा पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आटा भी गूंथ लिया था और जो तिकोने पराठे हैं वही मैं बना दूँगी। और अभी तो सरसों के तेल में ही मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि मेरा जो घी है ना वो बहुत थोड़ा सा ही है, इस बार ज़्यादा घी मेरे पास है ही नहीं, मतलब 5-6 चम्मच ही घी है। तो मुझे लगा अगर मैं वो पराठे बनाने में यूज़ कर लूँगी
तो फिर दाल में अगर हस्बैंड मांगेंगे तो मैं क्या दूंगी, तो इसी वजह से मैंने सरसों के तेल से ही पराठे बना रही हूँ और पराठे मेरे बन चुके हैं। और मेरी भिंडी की जो सब्ज़ी है ना, देखिए वो भी बन गई है, बिल्कुल लिपलिपापन नहीं है, खिली खिली सी बनी है। तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और 6:30 बजे तक मेरा जो घर का मतलब जो नाश्ता है, नाश्ता बन के तैयार हो गया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद पूजा वगैरह करूँगी। टाइम दिखाती हूँ मैं आपको टाइम कितना हो रहा है अभी। तो ये देखिए अभी बज रहे हैं 6:30 सुबह के, ठीक 6:30। और जो मेरा काम है वो मेरा हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और अभी का जो टाइम है वो 7 बज रहे हैं। आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है और इसके बाद से मैं नहा के अब मैं आराम से जो है ना अपनी पूजा है वो मैं करूँगी और हस्बैंड को नाश्ता भी मैंने दे दिया है तो वो नाश्ता करके अभी थोड़ी देर में वो भी अपने काम के लिए निकल जाएंगे। और तब तक यहाँ पर सुबह की पूजा मैं कर रही हूँ और हल्की हल्की सी जो धूप है वो आने लगी है, मतलब जो सूर्य भगवान है वो उग चुके हैं और सुबह हो चुकी है, धूप आने लग गई है। और सुबह सूर्य भगवान के उगने से पहले मेरी जो पूजा है ना, मतलब उगने से पहले नहीं, उगने के थोड़ी देर बाद मेरी पूजा हो गई। और उसके बाद से मैंने बेड तो सुबह साफ़ नहीं किया था तो अभी बारी आती है इस बेड को साफ़ करने की। तो जो सुबह का काम होता है ना, मैं पहले अपने हिसाब से मतलब अपने टाइम के हिसाब से मैं देखती हूँ कि पहले मुझे कौन सा काम पहले करना है, क्योंकि कभी हस्बैंड लेट में जाते हैं तो मैं उसके हिसाब से नाश्ता बनाती हूँ, पहले सफाई कर लेती हूँ। अगर हस्बैंड को जल्दी जाना रहता है तो मैं पहले खाना बनाने का काम करती हूँ फिर मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि काम पूजा तो चलो होता रहेगा लेकिन अगर हस्बैंड लोग खाली पेट चले जाएँ तो वो तो फिर पूजा करना बेकार हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए पहले उनको मैं नाश्ता वगैरह दे देती हूँ। और फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा नेक्स्ट डे का है, यानी कि 2 तारीख का ये मेरा ब्लॉग है। और यहाँ पे अभी मैंने अभी किचन की सफाई और फ्रिज की सफाई कर दिया था, वो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। और उसके बाद का ये ब्लॉग है जहाँ पे मुझे अभी घर की ये थोड़ी सी सफाई मेरी बची है वो मुझे करना है। जैसे कि ना मेरी जो चेयर पे जो मैंने कवर वगैरह डाले थे तो वो मैंने जब से डाले थे तब से एक बार भी मैंने वॉश नहीं किया है। और ये जो टेबल पे रनर डाला था वो भी वॉश नहीं हुआ था तो उन सबको मैंने रख दिया है वॉश करने के लिए। और यहाँ पे मैं कॉलिन से पूरी डाइनिंग टेबल पे और जो मेरी कुर्सियाँ हैं उनको मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि 3 तारीख से नवरात्र था तो उसकी सफाई भी मुझे करनी थी। और पूरा दिन मुझे लग गया था पूरे घर को ना अच्छे से क्लीन करने में, क्योंकि जब त्यौहार कोई आता है तो उसमें सफाई ज़्यादा करनी ही पड़ती है। ये कि सफाई भी हो जाएगी तो दिवाली पे फिर उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये जो बेसिक सफाई है डाइनिंग टेबल कुर्सी वगैरह ये तो खैर करना ही रहता है। और डाइनिंग टेबल साफ़ करने के बाद मैंने उसी कॉलिन से ना अपनी जो चेयर्स हैं उसको भी मैंने क्लीन कर दिया, क्लीन थी क्योंकि इसके ऊपर कवर पड़ा हुआ था तो उतना डस्ट नहीं था, बट फिर भी मैंने एक बार ऐसे ही उसको साफ़ कर दिया। और उसके बाद से मेरे घर की जितनी भी डोर मैट्स थे ना तो मैंने उसको गर्म पानी में ना डिप करके रखा हुआ था, अभी कम से कम 2 से 3 घंटे हो गए थे और उसको ना डिप करके मैंने धूप में रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने ना उसको ब्रश से बस हल्का हल्का साफ़ किया तो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया। और जो मेरी डोरमेट्स होते हैं ना मैं उसको अपने हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में तो साफ़ भी नहीं होता, फिर मशीन बहुत गंदी भी हो जाती है तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ से ही धोऊँ। ज़्यादा टाइम अगर गर्म पानी में भिगा दो ना डिटर्जेंट पाउडर डाल के तो ज़्यादा टाइम धोने में नहीं लगता है। तो अभी मैं उसको आज बाथरूम में नहीं धोया क्योंकि बाहर पानी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि बाहरी पाइप से ना अच्छे से धो दूँगी, सारी जितनी भी गंदगी है ना सब निकल जाएगी। और जब डोरमेट ना साफ़ रहते हैं घर में ना तभी अच्छा लगता है। मेरा डोरमेट बहुत गंदा हो गया था, मुझे ना कई दिनों से मैं सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी लेकिन हो नहीं पा रहा था अब, लेकिन ये था कि अब तो नवरात्र आ गया है तो सफाई तो करनी थी, तो मैंने सारे डोरमेट्स को धो दिया है। और ये सुबह सुबह मैंने जो हम लोग ओढ़ते हैं ना इसको भी मैंने धो के गेट पर टांग दिया था तो ये भी सूख गया है। और मेरे किचन के आप गेट पर देख रहे हो कि छोटे छोटे कपड़े टंगे हैं, वो किचन के सारे कपड़े थे जो भी यूज़ करती हूँ तो उसको भी मैंने सुबह ही धो दिया था।
सारे जितनी भी कपड़े यूज़ करते हैं ना सब धो दिया। यहाँ पे डोरमेट भी गेट पे ही टांग रही हूँ मैं, क्योंकि और कहीं टांगने की जगह नहीं है। यहाँ पे धूप भी आती है ना, जल्दी से सूख जाते हैं। और यहाँ पे अचार भी मैंने सुबह डाले थे धूप में, ताकि धूप लग जाए अचार में, ताकि फफूंदी वगैरह जो फंगस वगैरह पड़ जाते हैं ना तो वो ना पड़े। तो बीच बीच में अचारों को भी धूप में धूप दिखाती रहती हूँ, ताकि अचार ना ख़राब ना हो। उसके बाद वो सब सारे डब्बे मैंने रख दिए हैं वापस किचन में। अब मैं यहाँ की बाहर की सफाई कर लूँगी। सफाई करने से पहले सारे प्लांट्स में ना पानी डाल दूँगी। और अभी ना मेरे यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से गुड़हल के फूल खिल रहे हैं, और मेरा एक केले का पेड़, मुझे ये केले का पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सारे प्लांट्स में पानी डाल दिया, अब ये बाहर की धुलाई हो जाएगी। और इसी के साथ मेरा जो सफाई का काम है अब फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। मतलब नवरात्र आने से पहले मैंने पूरा घर है ना वो साफ कर लिया था। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज के व्लॉग में ना आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है? ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।